जनपद मथुरा में स्थित रावल गांव का भी बड़ा ही महत्व है। श्री राधा जी का जन्म रावल गांव में ही हुआ था। कहते हैं कि राजा कंस के भय से किशोर अवस्था में ही श्री राधा रानी के पिता श्री राधा जी को अपनी ननिहाल बरसाना ले गए थे। वहीं रावल में राधा जन्म उत्सव की तैयारी बड़े जोर शोर से मनाई जा रही है। हजारों श्रद्धालु राधा की जन्मस्थली रावल में आ रहे हैं। 5 बजे मंत्रोच्चारण के साथ दूध, शहद, बुरा, इत्र, गुलाब जल, पंचमेवा, पंचरत्न, केसर आदि से श्री जी के विग्रह का अभिषेक गोस्वामी द्वारा किया गया। राधा रानी का राधा जनजीवन कवि एवं कलाकारों की रचनाओं में कृष्ण का नाम अभिन्न रूप से जुड़ा है। प्राण में सांस के समान समाये हुई श्री राधा राधा कृष्ण का इतना अभिन्न संबंध है कि धर्म, साहित्य, संगीत और कला सभी मित्र श्री के साथ राधा का नाम अनिवार्य रूप से जुड़ा है। यही नहीं, कृष्ण से भी पहले राधा रानी का नाम आता है, इसलिए कृष्ण राधा नहीं राधा कृष्ण कहा जाता है। क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए हैं हम। मेरा नाम सीमा गर्ग है। आज रावल गांव में आई हैं, राधा रानी के यहाँ पे दर्शन हुए, अभिषेक हुआ है, तो किस प्रकार से देगा आनंद की अनुभूति? खूब आनंद आया, खूब अच्छे खुले दर्शन हुए हमें और राधा रानी की बहुत कृपा बरसी। कितने लोग आए हैं आप लोग दर्शन? हम बस आई है हमारी पूरी बस आई है। हाँ जी, तो राधा रानी के दर्शन हुए अभिषेक के? हाँ जी, अभिषेक के दर्शन हुए, मंगला आरती के भी हुए, मंगला आरती के भी दर्शन करे हमने, अभिषेक के भी करे, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, एकदम खुले दर्शन। तो प्रशासन की व्यवस्था कैसी रही, कोई दिक्कत किसी तरह की यहाँ पे? हमें कोई दिक्कत नहीं आई, सब ठीक था। कहाँ से आए आप? गोहाना सोनीपत। गोहाना सोनीपत से आए। आज राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार मनाया जा रहा है और कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी संगत आई हुई है, कल रात से रुके हुए हैं। तो किस प्रकार से आपने देखा अभिषेक हुआ, दर्शन हुए ठाकुर जी के? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? बस यही है कि अपना हर साल आते हैं कि अपना देख के अच्छा माहौल है भाई, अपना ये है जो बंदे आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है उसके हिसाब से। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।